विकास नगर में आए दिन लगने वाले जाम से लोग होते हैं परेशान, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस और नगर पालिका के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जाती है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले इससे बाज नहीं आते, जिसको लेकर विकास नगर में तैनात एसआई भुवन पुजारी के द्वारा चलानी कार्रवाई की गई। लोगों को हिदायत दी गई कि वह अवैध अतिक्रमण ना करें, अगर यह लोग दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो भुवन पुजारी ने कहा कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता से भी मीडिया ने वार्ता की तो उनका भी यही कहना है कि हमारे द्वारा समय समय पर लोगों को समझाया जाता है, लेकिन दुकानदार इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इधर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जाती है, उसके थोड़ी देर बाद ही दोबारा से लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है ईसाई भुवन पुजारी और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता का। जो यहाँ के अभी नए भुवन पुजारी जी आए हैं कि मैंने कहा था सर ये आप लोग तो करके चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे से फिर दोबारा से ये रख ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम वापसी में फिर आएंगे और जिसने भी करा होगा उसका हम एक मिनट, जिसने भी ये दुकानें रखी होंगी द्वारा से वापस आकर के तो ये इनका द्वारा से चलान होगा। सर पुलिस कब तक चलान काटेगी? आपने भी समझाइश बहुत करी, क्यों आपका कहना नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हैं? बाजार का लगभग 2 किलोमीटर का पैच है, इसमें अक्सर शिकायत रहती है कि जाम है, तो हमारी हमने आज उच्च अधिकारी जो आदेश प्राथमिकता के आधार पर इसे यहाँ की जनता को और व्यापारी वर्गों को निजात दिलाने के लिए सबसे अनुरोध किया है कि अपनी भी दुकानों को फुटपाथ से हटा लें, और जो व्यक्ति अपनी दुकानों को नहीं हटा रहे थे आज हमने उनके खिलाफ उनके चालान की कार्रवाई भी करी है, और अक्सर मैक्सिमम लोग जो हैं अपने आप ही स्तर से पुलिस के साथ अलग बन करके अपनी दुकानों को अंदर कर रहे हैं, और ये हमारा जो प्रयास है निरंतर चलता रहेगा। जो आड़े तिरछे वाहन लगे रहते हैं या दुकान के बाहर खड़े हैं तो दुकान संबंधी दुकानदार की भी जिम्मेदारी है, वो अपने वहाँ पार्किंग प्रॉपर पार्किंग करवाए, और जो आड़े तिरछे वाहन है इनका चालान की कार्रवाई भी की जा रही है, और जल्दी हम ये जो आपका विकास नगर में यूटिलिटी और पिकअप के लिए है इनके लिए स्टैंड, और जो ठेली फड़ वाले हैं इनके लिए भी कहीं पर शासन से बात करके इनको कहीं ग्रांट दिलाकर वहाँ उनके फ्रूट मंडी और इन ठेली वालों को